कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम ये बनाने जा रहे हैं चूचू वाले बैंगन। हमारे यहाँ तो वही से चूचू वाले बैंगन ही बोला जाता है, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, छोटे बैंगन भी कह लेते हैं। चलो तो हमने ये आधा किलो के करीब बैंगन ले लिए हैं और हमने इसको बीच में से देखिए ऐसे कट लगा दिया, एक कट इधर लगाया है और एक कट इधर लगाया है। हमने ये आधा किलो बैंगन में सब में कट लगा के रख दिया, धो के रख दिए और हमने इसमें बीच में ये जो हमने कट लगाया है बीच में भरने के लिए हमने थोड़ा सा हमने अलग करने की कोशिश करी है। कच्ची आंबी का सीजन चल रहा है तो हमने ये आधी कच्ची आंबी ले ली है और दो हरी मिर्च ले ली है। इसके साथ इसमें नमक मिला के हम इसको पीसेंगे पहले अच्छे से, बिल्कुल महीन पेस्ट, और उसके बाद हम इसमें बीच में लगाएंगे। बीच में लगा के हम इसको 10-15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा ये जो भी हमने बनाना है, इसकी सब्जी बनानी है वो बनाना हम स्टार्ट करेंगे। हो सकता है हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा निकले। ये हमारी अब बन गई है जो हमने कच्ची आंबी ली थी, कच्ची आंबी, हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक, प्लस हमने इसमें एक प्याज भी ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने कट लगाया है ना, ये चाकू की सहायता से, चाकू से ही अंदर जाएगा ये, हम इसको इसमें भर लेंगे अच्छे से। हर एक बैंगन को ना हम ऐसे खोल खोल के अच्छे से सब में डाल लेंगे। इसमें हम डाल के हम इसको लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम अपनी प्याज टमाटर वाली प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये हमने इसको भर दिया एक्स्ट्रा जो था, जो भी हमारा ये एक्स्ट्रा बच गया तो हम इसको ग्रेवी में डाल देंगे। ठीक है, हमने एक रेडी कर लिया, ऐसे हम सारे रेडी कर लेंगे। अब हमारे बैंगन को मैरिनेट हुए लगभग आधा घंटा तो हो चुका है, अब हम अपना बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिए दो बड़ी प्याज ले लिए और दो टमाटर ले लिए, इसके साथ ही हमने लहसुन अदरक ले लिया और जो हमने इसे मैरिनेट करने के लिए कच्ची आंबी प्याज का वो लगाया था मिश्रण, वो हमारा इतना बच गया है। इसको हम इसी की ग्रेवी में ऐड करके हम इसको और यम्मी बना देंगे। सबसे पहले चलो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज। इस सब्जी को हम बहुत ही सिंपल और यूनिक तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे हमारी मदर इंडिया बनाया करती थी, कम मसालों से, लेकिन जो मसाले हम डाल रहे हैं वो सारे देसी स्टाइल में, मतलब ये हमारी सब्जी बनेगी बिल्कुल पुराने स्टाइल में, देसी स्टाइल में बनेंगी, बहुत लाजवाब बनेगी। सबसे पहले हमने इसमें डाल दी प्याज, भूनेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आज इस स्टेज पे हम अपनी गैस तेज कर देते हैं और इसको जल्दी से हम पकाएंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि हम इसको बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाएंगे, तो हम इसमें सिर्फ हल्दी, मिर्ची, नमक बस ये डालेंगे और कुछ भी नहीं, और सब्जी हमारी कतई वाव बनेगी। ये देखो हमने एक छोटी वाली चम्मच ली है, एक चम्मच हल्दी डाला, हमारी प्याज तो ब्राउन हो गई थी, हल्दी को सिर्फ 2 मिनट पकाना है ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। पुराने टाइम में भी सिर्फ हल्दी, मिर्ची, नमक डाल के बनाते थे और सब्जी बनती थी बहुत अच्छी, क्योंकि सिलबट्टे पे पीसते थे सारे मसाले वसाले, उसका स्वाद ही अलग था। अब हमने इसमें हल्दी डाल दी, 2 मिनट पका दिया और अब हम ये डालेंगे, ये हमारी है देगी मिर्च, इतनी है, छोटी स्पून से डाल रहे हैं इतनी, बाकी आपको अगर तेज पसंद है तो तेज भी डाल सकते हैं। और ये हमने आधा चम्मच के करीब हमने ये डाल दिया नमक, बस दैट्स इट, अब कुछ ही नहीं डालना है इसमें। बाकी हमने अब डालने अपने टमाटोज, आप भी बना के देखिए और मुझे बताइए कैसी बनी है आपकी, कतई देसी स्टाइल में बनेगी। ये हमने लहसुन अदरक है, लहसुन अदरक है और टमाटो, ये हमने दोनों एक साथ ही डाल रहे हैं इसमें। अब हम इसको टमाटो को तब तक पकाएंगे हम जब तक ये हमारा वो ना हो जाए, और ये जो हमारा पेस्ट बच गया था जो हमने बैंगन में लगाया था, ये भी हम इसके साथ ही ऐड कर रहे हैं। ये भी बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल टेस्ट देगा, कुछ में कुछ भी, कोई मसाले नहीं, कुछ वो नहीं, फिर भी स्टिल हमारी सब्जी बनेगी बहुत बढ़िया। इसके साथ ही अगर आपने ऐड कर लिया तो थोड़ी सी आप कसूरी मेथी ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें थोड़ी सी हमने कसूरी मेथी क्रश करते हुए हमने ये ऐड कर दी इसमें, बस अब कुछ नहीं डालना, अब सीधा ये पक जाएंगे टमाटर हमारे, तो हम सीधा हम इसमें बैंगन डाल देंगे।
अब हम देख सकते हैं कि हमारी ये जो हमने रेडी किया है, इसका प्याज टमाटर का पेस्ट रेडी करा है, उसमें इसने टमाटर में तेल छोड़ दिया है और अच्छे से मतलब तेल छोड़ दिया और टमाटर पक गए हमारे अच्छे से। अब हम ये रेडी है हमारे बैंगन डालने के लिए, तो अब हम यहाँ पे अपने बैंगन डाल देते हैं। हम इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डालेंगे, खाली ये स्टीम में ही बनेंगे बैंगन और बनेंगे लाजवाब बिल्कुल मदर के स्टाइल में, जैसे हमारी मदर बनाया करती थी ऐसे ही बनेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया अभी डाल देते हैं और थोड़ा सा लास्ट में डालेंगे एंड में जब हमारे ये बन जाएंगे। चलो हम इसको मिक्स करके ढक के रख देंगे। बिल्कुल कुछ भी नहीं डाला हमने इसमें, कुछ भी नहीं, नथिंग, और फिर भी हमारे ये बैंगन बनेंगे बहुत अच्छे। और अब हमें हर 5-5 मिनट में इनको चलाने के लिए आना पड़ेगा और लगभग आधे घंटे में हमारे ये बनके रेडी हो जाएंगे। ये फ्रेश है सारे बैंगन, कच्चे हैं, बनेंगे बहुत बढ़िया। आप भी बना के देखना जरूर। अब ये हमारे बैंगन हाफ कुक हो गए हैं, यानी 50% बन गए हैं, और 10 मिनट में ये हमारे पूरे बन जाएंगे। ये देखो कितने अच्छे वो हुए, बहुत बढ़िया लग रहे हैं देखने में और खाने में और अच्छे लग रहे हैं। अब ये हमारे बैंगन बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, देखने में नहीं खाने में, और ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करना।